हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स. आई एम नेहा एंड आज हमारा टॉपिक होगा साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर. सो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट टेक्निक से. सो फर्स्ट टेक्निक आपकी है फंक्शनल फॉरमैनशिप. अब यहाँ पे फॉरमैन से मतलब जो सुपरवाइजर्स इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो है. सो इस टेक्निक में क्या होता है, टेलर क्या बोलना चाह रहा है, वर्कर्स मस्ट कंसेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन ओनली. टेलर कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन करने पे ध्यान देना है, ठीक है. फ्री देम फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है. वो आगे जो है और टॉप लेवल एम्प्लॉयज पे या फिर जो भी अपने सीनियर्स पर छोड़ दो. आपका काम है सिर्फ प्रोडक्शन करना. जैसे कि आप लोगों के साथ होता है, आपकी मम्मी एग्जाम्स में यह होती है, बेटा बोर्ड सारे हैं पढ़ ले, घर का काम हम कर लेंगे, बेटा सारे काम हम कर लेंगे, तुम सिर्फ पढ़ाई करो. ऐसे ही टेलर क्या बोलता है वर्कर्स को, क्या बोला भाई तुम सिर्फ प्रोडक्शन करो, बाकी प्लानिंग हम कर लेंगे, तुम प्लानिंग का बोझ अपने कंधों पे मत लो, ठीक है. सो फंक्शनल एक्सपर्ट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट. टेलर ने क्या बताए हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना एक्सपर्ट होना चाहिए. बिकॉज वन पर्सन कांट बी एक्सपर्ट इन एवरी वर्क. अभी एक इंसान जो है वो हर चीज में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता है ना. अब जैसे कि तुम ही लगा लो, मैं बोलूं कि तुम कॉमर्स में चलो अच्छे हो, तुमने कॉमर्स ले ली, तुम साइंस में जरूरी हो ना कि परफेक्ट हो, आर्ट्स में भी परफेक्ट हो या और कोई सब्जेक्ट हो जिसमें एकदम परफेक्ट हो, है ना. परफेक्शन तो कुछ गिनी चुनी चीजों में होता है ना. तो इसमें टेलर ये बोल रहा है कि एक इंसान हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए हर एक काम के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो सारी एक्टिविटीज को देखेगा. सो इसने क्या सजेशंस दिए कि अपनी फैक्ट्री को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है. यानी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो सिर्फ प्लानिंग पे ध्यान देंगे, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे या वर्कर्स होंगे जो सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है. तो दो डिपार्टमेंट इसने बनाने के लिए बोला. कैसे, हर एक डिपार्टमेंट में चार चार क्लर्क रखने के लिए बोला. पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क. अभी रूट क्लर्क क्या करेगा, रूट मतलब रास्ता, तो रास्ता दिखाएगा, मतलब सीक्वेंस टू परफॉर्म मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स. यानी काम को किस सीक्वेंस में करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो कौन बताएगा, रूट क्लर्क. यानी रूट बताएगा, रास्ता बताएगा, सीक्वेंस बताएगा, ठीक है. सेकंड कौन है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. अभी नाम से ही पता लग रहा है ना, सबके नाम से ही पता लग जाएगा. जैसे ये रूट बताएगा तो ये इंस्ट्रक्शंस देगा, गिव इंस्ट्रक्शंस टू कैरी ऑन जॉब, कि किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है. थर्ड आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है. अभी टाइम की बात आ गई तो ये क्या करेगा कि कम काम को कब स्टार्ट करना है और कब कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है, ये बताएगा टाइम क्लर्क. कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब, यानी हर एक जॉब के लिए वो कॉस्ट शीट बनाएगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट शीट यानी जैसे कि किस पे कितना खर्चा होगा, कितने किस जॉब पे, किस एक्टिविटी पे खर्चा होगा, तो ये सब प्रिपेयर करेगा. अब आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट में फोर्थ कौन होगा, डिसिप्लिनेरियन. अभी ये क्या काम करेगा, ही मेक्स श्योर दैट जॉब्स आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर. ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि जितने भी जॉब्स परफॉर्म किए जा रहे हैं ये सभी ऑर्डरली तरीके से हो, मतलब जैसे भी सीरियल वाइज है या जिस तरह से प्रॉपर मैनर है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम से सारे काम हो, कुछ भी इधर उधर ना हो कि कोई काम पहले हो जाए कोई बाद में हो जाए. जिसकी जरूरत है, जिस टास्क को पहले करने की जरूरत है, वही टास्क पहले कंप्लीट हो. अब आते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ. इसमें भी चार क्लर्क बताए हैं. सबसे पहले कौन होगा, गैंग बॉस. अब ये क्या काम करेगा, अरेंज मशीन्स टूल्स एंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब. यानी काम करने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमें मशीन्स या टूल्स या किसी भी चीज के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ ये अरेंज करेगा, ठीक है. अपने बॉस को जाके बोल दो अपनी गैंग के, भाई इस चीज की जरूरत है, इस टूल की जरूरत है, ये चीज यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो अरेंज करके देगा आपको. आगे बढ़ते हैं. स्पीड बॉस, स्पीड फिर से पता लग रहा है क्या कहना चाह रहे हैं. इज योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो भी काम है भाई वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए. जो भी टारगेट टाइम आपको दिया गया है कि कोई भी प्रोडक्शन है 20 दिन में 30 दिन में ये कंप्लीट करनी है, तो ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि स्पीडली काम अपना हो जाए, टाइम पे काम हो जाए. अभी थर्ड कौन सा है आपका, रिपेयर बॉस. ये क्या काम करता है, ही इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर वर्किंग प्रॉपरली. मतलब रिपेयर का काम करेगा ये, कैसे कोई भी मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही है, टूल्स जो है प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं है, सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं प्रॉपरली सारी मशीन्स,
तो इन सब चीजों का ध्यान रखना और उसको रिपेयर करवाना, ये किसका काम है? रिपेयर बॉस का। आगे बढ़ते इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो गन वाला इंस्पेक्टर नहीं है, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। ये क्या काम करेगा? कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये ध्यान रखेगा कि क्वालिटी मेंटेन रहे, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो अब सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड टेक्निक आपकी क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन किस वर्ड से बना? स्टैंडर्ड वर्ड। स्टैंडर्ड सबको पता होगा, सब अपना स्टैंडर्ड आजकल ऊंचा करना चाहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। सो स्टैंडर्डाइजेशन, इट डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, भाई अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, सिर्फ ये नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि इसका मतलब ये है ही नहीं, ये है। क्वालिटी स्टैंडर्ड इंक्लूड है इसमें चीज, बट इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। वो क्या है? बट ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर एक्सेट्रा। हमें और किस चीज का स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है? कि साइज जो हो प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज हो, टाइप जैसा कस्टमर्स चाहते हैं, आपके कंज्यूमर्स चाहते हैं, वेट। अब जैसे कि मैगी, वो देखेंगे ना वेट, मैगी बना रहे 1 किलो की, कौन खरीदेगा भाई? 1 किलो का छोटे पैकेट बनाए ही ना, कोई साइज मेंटेन करा ही नहीं सीधा, 1 किलो मैगी खरीदो, कौन खरीदेगा? बहुत कम ही लोग खरीदेंगे, है ना, जो ज्यादा शौकीन होंगे मैगी के, है ना। अब जैसे कि साइज है, कोई भी ड्रेस है, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं जीन्स, ठीक है, वो सिर्फ मोटे मोटे लोगों के लिए कर रहे हैं, पतले लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर जो फिट लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो ऐसे जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है हर चीज में, क्वालिटी के साथ साथ प्रॉपर साइज भी हमें देखना है कि हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं किस साइज में दे रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, छोटे छोटे शैशे जो है वो भी जरूरी है बनाने, अगर वो सब नहीं बनाएंगे तो लोग ट्राई कैसे करेंगे, है ना। कोई एकदम से तो 400-500 की चीज खरीद नहीं लेता, जब तक 10-20 रुपए की वो एक बारी ट्राई करते हैं, उसे अच्छी लगती है, तभी तो वो कोई बड़ा पैकेट खरीदता है किसी चीज का, है ना। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड साइज हो, टाइप, वेट, मेजर, ये सब कुछ जो है बहुत सोच समझ कर जो है डिसाइड करें। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड इन सेलेक्टिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स। अब इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि हाँ ठीक है, आप चाहते हो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करें, लेकिन उसके लिए जो है एंड में आउटपुट को नहीं देखना, प्रोडक्ट को नहीं देखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि जब आप टूल सेलेक्ट करते हो, इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हो, मशीन सेलेक्ट करते हो, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है, ठीक है। जब ये चीजें आप कोई मशीन अच्छी सेलेक्ट करोगे तभी तो जाके आपको क्या नाम है आगे प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। आप जैसे कि आपने सोचा चलो भाई घर में ना एक कूलर लगवा लेते हैं, आपने लगवा लिया बहुत छोटा सा कूलर और आपका रूम है बहुत बड़ा, है ना। आपने प्रॉपर जो है अपना कूलर चूज ही नहीं करा कि कितना साइज होना चाहिए, कितना रूम है, तो आपको ठंडी हवा वो नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसलिए है कि जब तक आप मशीन अच्छे से नहीं चूज करोगे कि उसमें जो है मशीन से अच्छी प्रोडक्शन निकल कर आए, है ना, तब तक क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टैंडर्डाइजेशन के? टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये तो सबको ही पता होगा कि क्वालिटी मेंटेन करनी है। सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, मैन और मशीन दोनों के स्टैंडर्ड सेट करने हैं, ठीक है। मैन जो हैं, यानी जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड से मतलब है जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे अच्छे बनकर आओ, सुंदर बनकर आओ, वो वाला नहीं। जैसे कि आप डोमिनोज में हैं, उनको बोला कि तुम लोग जब चीज वाला पिज्जा बनाते हो उसमें प्रॉपर चीज आपको डालना ही डालना है, प्रॉपर वेजिटेबल्स डालने ही डालने हैं, है ना। अगर लेकिन आपके एम्प्लॉयज का कर रहे हैं कि चलो कंपनी का बेनिफिट कराते हैं, 2-4 हजार रुपए बचा देते हैं और चीज ज्यादा नहीं डालते हैं, वहां पे रेपुटेशन खराब हो जाएगी भाई कंपनी की, है ना, डोमिनोज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो मेन जो है अपने एम्प्लॉयज हैं उनको भी बताना है भाई हर चीज में स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करके रखो, आप जो भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें। आगे बढ़ते अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। अभी जो भी आपके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, इंटरचेंजेबिलिटी से क्या मतलब है? जैसे कि पता क्या होता है आपकी, जैसे कार वगैरह होती है उसके पार्ट्स, जैसे कि कोई भी मारुति की कार है उसके कोई भी पार्ट आपको चाहिए कहीं से भी मिल जाता है ना, एक कार का दूसरे में लगा दिया, दूसरे कार का तीसरे में लगा दिया, तो इंटरचेंजेबिलिटी है उसमें, है ना। आप इजिली जो है आपको अवेलेबल भी हो जाते हैं और इंटरचेंज भी हो जाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन आप ऐसे यूनिक सी चीज बना रहे हैं कहीं ना मिले, सिर्फ एक दुकान पे मिले, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग खरीदना ही बंद कर देंगे आपकी कार वगैरह, बोलेंगे इसके पार्ट्स तो मिलते हैं नहीं, कोई रास्ते में खराब हो गया हम क्या करेंगे, हम क्या कार को घसीट के लेके आएंगे या सर पे उठा के लेके आएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इसी में
सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. अभी सिंप्लीफाई करना मतलब इजी करना. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जब हम छोटे थे तो क्वेश्चन में होता था सिंप्लीफाई, है ना, तो उसको इजी और कर देना. अब इजी कैसे करना है, किस वे में इजी करने को बोल रहा है टेलर यहाँ पे. एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स. वो क्या बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट में या साइज में या टाइप में कोई भी डाइवर्सिटी या वेराइटी है उस चीज को कम करो जो अननेसेसरी है. आई नो आपको नहीं समझ आई होगी. अब जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप भी कोई भी रजिस्टर्स बना रहे हैं लेकिन उसमें जो पेजेस वगैरह आप यूज कर रहे हैं कम से कम 60-70 टाइप के पेजेस यूज कर रहे हैं. ये इतना मोटा रजिस्टर है ये 10 रुपए का, इतना और भी मोटा रजिस्टर है वो 20 रुपए का, ठीक है, लेकिन उतना ही मोटा रजिस्टर 30 में भी है, 40 में भी, 50 में भी है, बस पेज की क्वालिटी अलग है ना. सपोज ऐसी आपकी एक कंपनी है तो इसमें क्या होगा, आपके बहुत सारे टाइप्स हो गए और बहुत सारे जैसे कि साइज हो गए, 10 का रजिस्टर, 20 का रजिस्टर, 30 का रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप के जो है साइज और टाइप हो गए. तो इससे पता है क्या होगा, आप ना फोकस नहीं कर पाओगे अपनी प्रोडक्शन में ठीक से. मैं आगे और अच्छे से समझाती हूँ आपको. देखो जैसे आपके पास बहुत सारी वेराइटी थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री यानी जैसे स्टॉक होगा वो भी बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा. अलग अलग टाइप के रजिस्टर हैं तो हर रजिस्टर की अलग अलग क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. मोर टाइप्स ऑफ मशीनरी. अभी जब अलग अलग पेजेस बना रहे हो आप तो अलग अलग टाइप की आपको मशीन भी चाहिए क्योंकि एक ही मशीन जो है वो बना नहीं सकती. अलग प्रोडक्ट है तो अलग मशीन चाहिए. लेबर, अलग अलग टाइप के लेबर भी चाहिए आपको. इन्वेंट्री मेंटेनेंस, ठीक है. अभी जो आप स्टॉक बनाते हो उसको प्रॉपर संभाल के भी तो रखना है. पता लगे आपने ऐसी कहीं पटक दिया, वो रजिस्टर आ गई, बारिश भीग के खराब हो गए या चूहे कुतर गए, उनको मेंटेन करने का खर्चा भी होता है. तो जितनी ज्यादा वैरायटी होगी ना आपके उतने ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे, उसको मेंटेन करना और मुश्किल हो जाएगा. तो टेलर बोलता है कि अपनी जो वैरायटी है ना, डाइवर्सिटी, उसको थोड़ा कम कर दो. जो भी टाइप्स, बहुत ज्यादा टाइप के आप चीजें बना रहे हो, बहुत ज्यादा से बिस्किट बना रहे हो तो बहुत अलग अलग टाइप के बिस्किट बना रहे हो, एक ही कंपनी और थोड़ा बहुत हल्का हल्का टेस्ट में डिफरेंस है और पता नहीं 20-25 तरह के बिस्किट बना रहे हो, इससे क्या होगा, आप ध्यान नहीं दे पाओगे हर एक बिस्किट पे, हर एक बिस्किट के टेस्ट पे, उसकी क्वालिटी पे. तो बोल रहे उसको कम कर दो जो अननेसेसरी है. भाई जितना जरूरी है, जो ज्यादा बिक रहा है उतना बना लो. इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे, है ना. एक ही चीज बार बार बन रही है, स्पेशलाइजेशन आएगी उसमें, कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि आपकी मशीन्स, लेबर वगैरह भी कम लग रहा है. बस यही चीज बोलना चाह रहा है इसमें टेलर. चलो अब थर्ड टेक्निक पढ़ते हैं, फटीग स्टडी. ये किस लिए करी जाती है स्टडी, फटीग मतलब उधर से थकान वगैरह. सो दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. यानी जैसे कि बीच में ब्रेक मिलती है ना ऑफिस में, उसको फाइंड करने के लिए ड्यूरेशन, यानी कितने लंबे समय की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, कितने मिनट की ब्रेक मिलनी चाहिए. एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल से मतलब है कितने दिन में एक ब्रेक, दो ब्रेक, तीन ब्रेक, ऐसे करके. सो व्हेन अ, इसमें टेलर क्या बोलते हैं कि व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही गेट्स टायर्ड एंड नीड रेस्ट इंटरवल. जब भी कोई आदमी या कोई भी एम्प्लॉई कुछ भी लंबे समय के लिए कुछ काम करता है तो वो बोर हो जाता है, थक जाता है और उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है. जैसे कि आप स्कूल में हो, है, अब 7-8 घंटे की आपकी स्कूल जैसे की है, जैसे 5-6 घंटे ऐसा कुछ होता है, जो भी सबके टाइमिंग्स खैर अलग अलग होते हैं, आपको बीच में लंच ना मिले, ठीक है, और लखो तौर पढ़ाए जाए, आप लोग पागल हो जाओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, बोलोगे हमें दिमाग खराब कर दिया, पढ़ा पढ़ा के बीच में ब्रेक नहीं देते. ऐसी जो एम्प्लॉयज होते हैं अगर उनसे भी लगातार काम कराया जाए वो भी थक जाते हैं. सो टू कंडक्ट फटीग स्टडी, इसके लिए क्या बोलता है टेलर कि अगर आपको ये स्टडी करनी है इसके लिए क्या करना है, ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही परफॉर्म्स अ जॉब. कोई भी एवरेज वर्कर उठा लो, ठीक है, जब भी वो काम कर रहा हो उसको ऑब्जर्व करते रहो, भाई जो ये काम कर रहा है. फिर क्या करना है आपको उसे ऑब्जर्व करते वक्त, नोट डाउन टाइम व्हेन ही गेट्स टायर्ड, और ध्यान दो काम करते करते जो है वो कब थक गया, उस टाइम को नोट डाउन कर लो, लिख लो, ठीक है, एंड गिव हिम ब्रेक, और उसे ब्रेक दे दो. जो आपने ये टाइम नोट किया ना, ये टाइम क्या होगा, दिस टाइम हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. यही टाइम डिसाइड करेगा कि कितनी बार रेस्ट यानी ब्रेक देनी है. अब जैसे कि आप हो ऑफिस में, आप काम कर रहे हो, आप 3 बार थके, ठीक है, 3 बार आपको ऐसा नहीं लगा कि बस अब तो सीट से उठ जाऊं, मेरा दिमाग जो है दुखी हो गया है और मेरी आंखें भी दुख गई हैं कंप्यूटर में देख देख के, 3 बार ऐसे आपको लगा. तो इस तरह से किसी एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी बार दिन में थकता है, ठीक है, और उसको साथ साथ ब्रेक देनी है, और यही टाइम डिसाइड करेगा कि कितने उसे दिन में पूरे ब्रेक देने हैं.
फिर क्या करना है, द नोट डाउन टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम ही बिकम फ्रेश टू ज्वाइन वर्क अगेन. और फिर से टाइम नोट करना है किस चीज का, कि भाई कितने टाइम बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो दोबारा से एकदम उसका चेहरा खिलता हुआ हो गया है और वो एकदम तैयार है, बिल्कुल इज रेडी टू ज्वाइन वर्क, दोबारा से वो तैयार है, हाँ भाई मैं काम करने को तैयार हूँ. तो वो टाइम भी नोट करो. तो दिस टाइम हेल्प्स इन डिसाइडिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल. जैसे कि आप थक गए, आपको ब्रेक दे दिया और 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है घूम फिर के, अब चलो दोबारा काम शुरू करता हूँ. तो वो 10 मिनट जो है वो आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या हो गया है ड्यूरेशन, यानी टाइम कितना आपको लंबा देना है ब्रेक का. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ आपकी है मेथड स्टडी. मेथड स्टडी इसमें क्या करते हैं, टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब. कोई भी जो आप जॉब करते हैं उसका बेस्ट तरीका ढूंढना इज अ मेथड स्टडी. कोई भी काम करना, जैसे कि पढ़ाई का काम कर रहे हो आप, तो आप सोचते हो कि मेरा बेस्ट तरीका क्या होगा, सोचते होगे. या मम्मी आपके घर में काम करती है तो ये सोचती है कि मैं ऐसे किस तरह से घर में काम करूं कि मेरा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और मुझे खुद के लिए भी पर्सनल जो है टाइम मिल जाए. तो वो बेस्ट तरीका ढूंढना कोई भी जॉब को करने का. अब इसमें टेलर क्या बोलता है, टेलर क्या सजेशन देता है, मेथड ऑफ डूइंग जॉब प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थम. ठीक है, रूल ऑफ थम कि हमने सोच लिया. अब जैसे कि एक मैनेजर आया, उसने बोला कि भाई तुम ना सारे वर्कर्स को बोला तुम इस तरह से काम करो, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा काम होएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है. अब फीलिंग से थोड़ा कुछ काम चलता है. या फिर ऐसे बोले कि ना लास्ट टाइम मैंने वर्कर्स को बोला था कि ना इस तरीके से काम करो, उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया था, है ना. ऐसे रूल ऑफ थम जो है वो यूज नहीं करना है. मैनेजर की विश जो है या विल उसकी जो भी है उसको मानकर जो है कोई भी मेथड डिसाइड नहीं करना है. ठीक है, बल्कि करना क्या है, मेथड अब डिसाइड कैसे करें. ऑल द मेथड्स शुड बी ट्राइड एंड बेस्ट मेथड शुड बी सिलेक्टेड. ठीक है, सारे मेथड ट्राई करो. अब जैसे कोई भी मैनेजर है उसको अगर 5 मेथड पता है किसी भी जॉब को करने के, तो सारे मेथड ट्राई कर डालो. ठीक है, और जो उनमें से जैसे कि 5 मेथड उनमें से जो बेस्ट लगा ना, ठीक है, उस मेथड को सेलेक्ट करो जिसमें क्या हुआ क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और कॉस्ट भी कम हो जाए, टाइम भी कम लगे. एक ऐसा मेथड आपको चूज करना है. अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, शूज की प्रोडक्शन करनी है, आपके पास 2 मेथड है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर लो या फिर कैपिटल इंटेंसिव. इसमें जैसे कि मैनुअल लेबर्स का ज्यादा यूज करना है, कैपिटल यानी पैसा यानी जो है मशीन्स का ज्यादा यूज करना है. आपके पास 2 मेथड हो गए, या तो मशीन से यू करा लो या लेबर से करा लो, है ना. तो इनमें से आपको बेस्ट जो है मेथड चूज करना है. सो बेस्ट मेथड चूज करने के लिए मैनेजमेंट क्या करेगी, कॉस्ट एंड बेनिफिट को इवैल्यूएट करेगी. भाई किसमें ज्यादा जो है कॉस्ट लग रही है, किसमें कम कॉस्ट लग रही है, किसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किसमें कम बेनिफिट लग रहा है, इन सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करेगी, तब जाके एक बेस्ट मेथड चूज करेगी. आगे बढ़ते हैं. चलो टाइम स्टडी पर आते हैं. अब ये क्या बोल रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का. टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब. स्टडी को इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता लग सके कि भाई किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए हमें टाइम कितना चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपकी टीचर देती है आपको, आपकी टीचर ने बोल दिया कि तुम्हें मैंने ये एक दिन का टाइम दे दिया है, एक दिन में जो है आपको पूरा प्रिपेयर करके लाना है ये चैप्टर और मैं कल टेस्ट लूंगी. ठीक है, ऐसे टाइम डिसाइड करना. नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कितने वर्कर्स की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए. अकेले एक आदमी को दे दूं के काम ये तुम अकेले संभाल लो, या फिर एक टीम बना दूं काम ज्यादा बड़ा है तो. और इसका ऑब्जेक्टिव थर्ड है कैटेगराइज वर्कर्स. वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, कैसे, इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट. ठीक है, कौन से वर्कर्स एफिशिएंट है यानी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, कौन से इनएफिशिएंट है यानी जो बिल्कुल निकम्मे है एकदम. सो इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब. कोई भी वर्कर, एवरेज वर्कर लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है जब वो जॉब कर रहा हो. ठीक है, नोट डाउन टाइम विच इज टेकन बाय वर्कर टू कंप्लीट द जॉब. हमें टाइम नोट करना है कि भाई इस वर्कर ने कितनी देर में ये जो मैंने इसे टास्क दिया था वो पूरा कर दिया, 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, जैसे भी है. रिपीट दैट ऑब्जर्वेशन 100 टाइम्स और 100 टाइम्स आपको ये ऑब्जर्वेशन रिपीट करनी है अलग अलग वर्कर्स के साथ. ठीक है, अलग अलग आपको एवरेज वर्कर्स उठाने हैं और उनके साथ ऐसी ये ऑब्जर्वेशन करनी है और नोटिस करना है कि वो कितनी देर में काम कंप्लीट करते हैं.
देन डिसाइड एवरेज टाइम. और इन सबसे जो है ऑब्जर्वेशन के बाद आपको एक एवरेज टाइम देखना है कि कितना जो है एवरेज बंदा टाइम लेता है किसी काम को पूरा करने के लिए. दिस एवरेज टाइम शुड बी कंसिडर्ड द टाइम टू परफॉर्म द जॉब. और ये जो एवरेज टाइम आपने यहां डिसाइड किया था, ये टाइम आपको मान लेना है कि भाई ये टाइम है और इतना टाइम मैं वर्कर्स को आज के बाद दूंगा कि भाई इतने काम में ये जॉब जो है परफॉर्म हो जानी चाहिए या कंप्लीट हो जानी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अभी टाइम तो हमने यहां निकाल दिया कि टाइम कितना चाहिए. आगे देखते हैं. फिक्स टारगेट फॉर वर्कर्स एंड टेल देम दैट एवरेज टाइम टू अचीव द टारगेट. अभी आपको क्या करना है, वर्कर्स को टारगेट देने हैं, भाई ये काम है, ये तुम्हारा टारगेट है, ये दो दिन में. सपोज आपका एवरेज टाइम निकला 2 दिन, ठीक है, तो आपको वर्कर्स को बोल दिया कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें जो है ये टारगेट पूरा करना है. एंड टेल देम दैट एवरेज टाइम. और वो जो एवरेज टाइम है उनको बता दिया हमने, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. उनमें से 3 वर्कर्स निकल के आएंगे. एक होगा एवरेज वर्कर. एवरेज वर्कर कौन होगा, जो स्टैंडर्ड टाइम था आपका, यानी एवरेज टाइम था 2 दिन का, उस 2 दिन के अंदर अंदर उसने वो काम कर लिया, वो हो गया एवरेज वर्कर. आगे हुआ आप एफिशिएंट वर्कर, वो कौन हुआ, वो जो तेज बच्चे होते हैं, जो बोलते हैं मैडम प्लीज टेस्ट ले लो ना, आपने टेस्ट के लिए बोला था कल. आगे बढ़ते हैं, मजाक बहुत हो गया. सो हु अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, जिन्होंने 1 दिन में या 1.5 दिन में काम पूरा कर दिया, ठीक है, वो हो गए आपके एफिशिएंट वर्कर. फिर हुए इनएफिशिएंट वर्कर, हु फेल टू अचीव टारगेट, जिन्होंने टारगेट अचीव किया ही नहीं, 2 दिन में हुआ ही नहीं उनको, तो 2.5-3 दिन लग गए. ये वो वाले बच्चे हैं जो बोलते हैं अरे चुप हो जा, टेस्ट 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 करा जा रहा है, बस हमने याद नहीं करा. सो आगे बढ़ते हैं. मोशन स्टडी आपका 6th है. मोशन स्टडी क्या बोलते हैं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव है. स्टडी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वाइल डूइंग जॉब. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स कितनी बारी मूव कर रहे हैं जब भी अपनी जॉब कर रहे हैं, यानी जो भी अपनी चेयर पे बैठ के वो जॉब कर रहे हैं वो कितनी बारी मूव करते हैं, कितनी बारी अपनी चेयर से उठते हैं, उस चीज की स्टडी करना. मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. डिफरेंस निकालना है भाई, कौन सी जो है, मतलब डिफरेंस इधर का मतलब है जैसे कंपेयर करना या फिर फाइंड करना कि कौन सी प्रोडक्टिव मूवमेंट है भाई जिससे बेनिफिट मिल रहा है या जो काम की है भाई और जरूरी है, और कौन सी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, यानी जो बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है, जो ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें मूवमेंट्स जो है फाइंड करनी है. फिर कट डाउन वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. हमें क्या करना है, जो वेस्टफुल या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, बेकार मूवमेंट्स हैं, जिनकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता है, उनको कट करना है, ठीक है. डिजाइन सुटेबल टूल्स टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. ऐसी टूल से इधर मतलब ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, यानी बिल्कुल यूजलेस और बेकार मूवमेंट्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, एक वर्कर को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको कम करना है किसी भी तरीके से. सो मोशन स्टडी के लिए आपको अब क्या करना है, इस टेक्निक को कंडक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर वाइल परफॉर्मिंग जॉब. हमें क्या करना है कि कोई भी एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है जो वो जॉब अपना परफॉर्म कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो. और ऑब्जर्व करनी क्या चीज है ये भी बताती हूँ. नोट डाउन ऑल हिज मूवमेंट्स, ठीक है, उसकी सारी मूवमेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस. अब जैसे वो किसी चेयर पे बैठा है या किसी पर्टिकुलर रूम में खड़ा है, वहां से वो कभी किसी दूसरे रूम में जा रहा है या किसी दूसरी जगह पर जा रहा है उसी रूम में, तो वो जितनी भी मूवमेंट्स है ना वो सारी नोट करनी है कि भाई कितनी बार वो हिल रहा है वहां से अपनी जगह से और दूसरी जगह पर जा रहा है, वो सारी मूवमेंट्स जो आपको लिख लेनी है. और फिर क्या करना है आपको, यही सेम ऑब्जर्वेशन 100 टाइम्स करनी है अलग अलग वर्कर्स के साथ, अलग अलग एवरेज वर्कर्स के साथ, ये सब ऐसे रिपीट करना है, बार बार उनकी मूवमेंट्स को नोट डाउन करना है. फिर जो आपने मूवमेंट्स नोट डाउन करी थी उनको क्लासिफाई करना है, उनमें से बताना है कौन सी प्रोडक्टिव मूवमेंट थी, कौन सी अनप्रोडक्टिव थी. प्रोडक्टिव यानी काम से रिलेटेड जो बिल्कुल जरूरी है, अनप्रोडक्टिव यानी वेस्टफुल मूवमेंट्स जो बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रही है आपके वर्कर का. फिर क्या करना है, मेक स्ट्रैटेजी टू कट डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कि जितने भी अनप्रोडक्टिव या वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं या बिल्कुल मिनिमम लेवल पे हो जाएं, ठीक है, ताकि जो है उसकी एनर्जी आपके वर्कर की वेस्ट ना हो, वो सिर्फ अपना काम पर ही ध्यान दे, उसकी एनर्जी बची रहे, सेव रहे.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई वर्कर है वो किसी रूम में कुछ रिपेयर वगैरह का वर्क कर रहा है, और जितने भी टूल्स उसे लगते हैं उसमें से आधे टूल्स जो हैं उसी रूम में रखे हैं जिस रूम में वो काम करता है, और आधे टूल्स उसके कहाँ है, किसी दूसरे रूम में है किसी दूसरे फ्लोर पर, ठीक है। तो उसको बार 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 स्टेयर से उतरना पड़ता है, उस रूम में जाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एनर्जी बचाने के लिए, वो जो आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था उस वर्कर का, उसको बचाने के लिए वो जितना भी टूल्स का जितना भी सामान था वो शिफ्ट कर सकते हैं उसी के रूम में, है ना। इस तरह से उसके वेस्टफुल मूवमेंट्स कम करने हैं जिससे कि वो बार बार थके ना, बार बार स्टेयर्स उतर कर, है ना। आगे पढ़ते हैं, सेवन्थ आपका टेक्निक आता है वर्क स्टडी। सो वर्क स्टडी क्या कहती है, इट एंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ एवरी फैक्टर। वर्क स्टडी में क्या होता है, ये क्या चाहती है ये, अब ये वर्क स्टडी क्या कहती है कि हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें हम मिनिमम कॉस्ट, यानी कॉस्ट बहुत कम लगे, और हमारे हर एक फैक्टर का, हर एक रिसोर्स का बेस्ट यूज हो, एकदम ऑप्टिमम यूज हो। तो ये कैसे किया जाए, किस चीज को स्टडी करके किया जाए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फिटिक स्टडी, इन सब टेक्निक्स को अच्छे से यूज किया जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वर्क स्टडी। सो अब चलते हैं आपकी एट्थ टेक्निक पर, ये क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। अब ये टेक्निक क्या बोलती है, क्या बोलना चाह रही है, किस चीज पर जोर देती है, दिस टेक्निक इंजिस्ट ऑन पे डिफरेंट वेज रेट टू इनएफिशियंट एंड एफिशियंट एम्प्लॉयज। आपको क्या करना है कि जो इनएफिशियंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, निकम्मे टाइप के, जो बहुत कम काम करते हैं, लेजी हैं, और साथ में जो एफिशियंट एम्प्लॉयज हैं, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, उनको अलग अलग वेज रेट दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप एक्स्ट्रा वेजेस देंगे एफिशियंट एम्प्लॉयज को, यानी जो जो एम्प्लॉयज आपके बहुत अच्छे से काम करते हैं, पूरी हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनको अगर एक्स्ट्रा वेज दो, एक्स्ट्रा पैसे दो, तो क्या होगा, इट विल मोटिवेट एफिशियंट एम्प्लॉयज टू रिमेन एफिशियंट। मोटिवेट होते रहेंगे कि भाई हमें तो एफिशियंट ही रहना है, हमें अच्छे से ही काम करना है ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले, ठीक है। एंड मोटिवेट इनएफिशियंट एम्प्लॉयज टू बिकम एफिशियंट। और जो इनएफिशियंट एम्प्लॉयज होंगे, जो काम चोर टाइप के लेजी होंगे, उनको लगेगा थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ यार, क्या पता ज्यादा पैसे मिल जाए, है ना, और पैसे मिल जाए, थोड़ी सी मेरी जो है वेजेस इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए जो है ये मेथड यूज किया जाता है। If payment is given according to the number of units produced, production maximized. अब ये टेलर इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप पेमेंट कैसे देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग, यानी जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे आपको उतना ज्यादा सैलरी मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब जैसे कि आपके कंपनी में, देखो आप एक कंपनी में लगे हुए हो, जॉब करते हो बहुत अच्छी, ठीक है, फिर आपकी कंपनी ने ऐसे बोला भाई तुम ऐसा करो, जो तुम 10 यूनिट बनाते हो ना एक दिन की, तुम 15 यूनिट बनाने लग जाओ, तुम्हें मैं डबल पैसे दे दूंगा, ठीक है, 20 यूनिट के पैसे दे दूंगा तुम्हें। तुम हो ना मोटिवेट हो जाओगे, यार सिर्फ 5 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है और एकदम डबल पैसे मिल जाएंगे, सैलरी अपनी तो डबल हो जाएगी, मोटिवेट हो जाओगे ना। तो इसी तरह आप लोग क्या बन जाओगे, इनएफिशियंट से एफिशियंट बन जाओगे। अब देखो इस टेक्निक को कैसे कंडक्ट किया जाए, कंपनी मस्ट फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेज रेट टू प्रोड्यूस टारगेट। अभी क्या हुआ, एक टारगेट दे दिया कंपनी है कि भाई ये टारगेट आपको प्रोड्यूस करना है, और वेज रेट फिक्स कर दिया। सपोज अगर आप 1 यूनिट बनाते हो तो आपको 50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए मिल जाएंगे। आप एक कंपनी में लगे हुए हो और कंपनी ने आपको बोला कि भाई तुम्हारा टारगेट कितना है, 10 यूनिट का है, रोज डेली 10 यूनिट आपको बनानी है, चाहे वो आप 2 घंटे बनाओ चाहे 4 घंटे बनाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आप डेली 10 यूनिट बनाते हो तो आपको मैं 1 यूनिट के हिसाब से 50 रुपए दे दूंगा, यानी मैं पूरे 500 रुपए आपको रोज के दूंगा अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो, ये कंपनी ने आपको बोला। फिर उसमें से क्या होगा, दो लोग निकल के आएंगे, एक होगे एफिशियंट एम्प्लॉयज, हाई वेज रेट वाले एफिशियंट एम्प्लॉयज जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कंपनी ने हाई वेज रेट फिक्स कर दिया 60 रुपए, मतलब जो 10 यूनिट बनाएगा ना उसको तो 50 रुपए मिलेंगे 1 यूनिट के, लेकिन जो ज्यादा यूनिट बनाएगा ना उसको 60 रुपए मिलेंगे 1 यूनिट के। हु प्रोड्यूस मोर देन स्टैंडर्ड टारगेट। अभी आप लोगों ने क्या किया, 10 यूनिट बनानी थी रोज, लेकिन आप लोगों ने 12 बना दी, मोर यानी ज्यादा बना दी, 12 बना दी, तो कंपनी ने आपको बोला 1 यूनिट के पूरे 60 रुपए मिलेंगे, यानी आपके पूरे 720 रुपीज हो गए। अगर सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से आपको 500 से 720 रुपीज मिल जाते हैं, आप कोशिश करोगे, है ना भाई इतने रुपए का फायदा हो रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेस यूनिट्स बनाते हैं,
कंपनी ने बोला था कि 10 यूनिट बनानी है रोज, उन्होंने बनाई कितनी, 8 यूनिट. सपोज हु प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड टारगेट, उन्होंने बनाई 8 यूनिट, तो कंपनी बोलेगी भाई जो कम प्रोडक्शन करेगा ना उसे पैसे भी कम मिलेंगे. कंपनी ने बोला सिर्फ 40 रुपए दूंगा 1 यूनिट के, तो उसको मिले 40 × 8 = 320. सिर्फ 2 यूनिट फालतू बनाई तो 720 रुपए, 2 यूनिट कम बनाई तो 320 रुपए. अब बेनिफिट किस में मिला इसमें ना, तो सारे इनएफिशियंट एम्प्लॉय सोचेंगे कि मैं इस वाले पोर्शन में आ जाऊं. इस तरह से क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. अगर पेमेंट सबको अलग अलग दी जाए, नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग दिए जाए, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. चलो आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट टेक्निक पर, दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन. ठीक है, अब ये क्या बोल रही है टेक्निक. एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, सबको पता है, एक वर्कर्स ग्रुप एक मैनेजमेंट ग्रुप. वर्कर्स को क्या फील होता है, दे आर एक्सप्लॉयटेड, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको ऐसे लगता है, ओवरबर्डन विद वर्क, काम ही काम कराते रहते हैं कंपनी वाले, काम ही काम कराते रहते हैं, एकदम खून चूस लेते हैं. सब वर्कर्स को यही लगता है, सब एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है. अंडर पेड, सब बोलते हैं इतनी काम सारी मिलती है, 20-25 हजार रुपए देते हैं, काम इतना करवा लेते हो 60-70 हजार जितना. सब वर्कर्स को यही फील होता है. मैनेजमेंट को क्या लगता है, द फील दैट वर्कर्स वर्क केयरलेसली. मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स क्या करते हैं, केयरलेसली वर्क करते हैं, कभी मशीन में कोई प्रॉब्लम कर देंगे, कभी मशीन में कोई प्रॉब्लम कर देंगे, कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं. डैमेज इक्विपमेंट्स, हमारे इक्विपमेंट्स जो है तोड़ देते हैं, कभी कोई सा नट घुमा दिया, कभी कुछ घुमा दिया, कभी कुछ घुमा दिया. लेजी हैं, ओवरपेड हैं, ज्यादा सैलरी मिलती है, काम 5 हजार का भी नहीं करते, सैलरी 20 हजार ले जाते हैं. मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, ये बात भी सच्चाई है. जैसे कि स्कूल में होता है, टीचर को लगता है बच्चे कुछ पढ़ते ही नहीं है, सारा दिन बातें मारते रहते हैं क्लास में बैठ के, बच्चों को ऐसा लगता है हम इतना पढ़ते हैं, टीचर ही अच्छी नहीं है, टीचर ही नहीं पढ़ाती अच्छे से, है ना. ये फील होता है ना ऐसे टीचर्स और स्टूडेंट्स को, ऐसे वर्कर्स और मैनेजमेंट को भी फील होता है एक दूसरे के बारे में. आगे बढ़ते हैं. टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज नीड टू चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर. अभी यहाँ टेलर बोल रहा है कि भाई बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी नीड है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के दोनों के एटीट्यूड को चेंज किया जाए, दोनों का दिमाग एकदम बदल दिया जाए, उनकी थिंकिंग बदल दी जाए एक दूसरे के लिए. डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, कॉपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, उनके बीच में पॉजिटिव थिंकिंग लाई जाए, दोनों को कॉपरेट करने को बोला जाए कि भाई एक दूसरे को कॉपरेट करो तुम, क्योंकि दोनों का गुजारा नहीं है एक दूसरे के बिना. वर्कर्स काम करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा, मैनेजमेंट सैलरी देगी तभी तो घर चलेगा वर्कर्स काम, है ना. दोनों ही जरूरी है एक दूसरे के लिए. दे बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर. दोनों को रियलाइज करने की जरूरत है भाई, फील करो कि भाई दोनों को जरूरत है, किसी एक को जरूरत नहीं है. वर्कर्स को जरूरत नहीं है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट को भी वर्कर्स की जरूरत है. सारे वर्कर्स भाग गए तो कंपनी क्या करेगी, अकेले थोड़ा ना एम्प्लॉयज जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज है वो प्रोडक्शन कर लेंगे. मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट विद वर्कर्स. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कंपनी में अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए. जैसे कि सपोज कंपनी में क्या हुआ, वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा प्रोडक्शन किया, बहुत क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करे, सेल हो गई, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है बोनस के तौर पे या जो भी है इंसेंटिव के तौर पे जो है वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनको लगे कि भाई हाँ हमारी मेहनत रंग लाई, हमें कुछ पैसे मिले हैं इसके बदले. और वर्कर्स को क्या करना चाहिए, दे शुड गिव देयर बेस्ट टू इंक्रीज कंपनीज प्रॉफिट. बार बार यानी कि स्ट्राइक पे भाग जाओ और अननेसेसरी डिमांड्स करते रहो, ठीक है, अपना बेस्ट देना है ताकि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो. इसी के साथ आपका ये इतना लंबा सा बोरिंग सा टॉपिक खत्म हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.